प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं यहाँ पे डायमो के दौर पे कक्षा 12 की क्लास 12 की वाणिज्य गणित का एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको हम शॉर्ट में APB बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का तात्पर्य है कि समान अंतर वाली जो भी श्रेणी रहेगी वो समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में आएगी। अब ये सीरीज को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे एक उदाहरण के तौर पे या एग्जांपल के लिए 1, 3, 5, 7 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये कितने भी नंबर तक जा सकती है। तो यहाँ पे अभी हम सीरीज के लिए यदि चेकआउट करें देन वी कैन फाइंड आउट कि दोनों ही पदों में किसी किन्हीं भी दो पदों में समान अंतर है, यानी 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है। सिमिलरली उसी तरीके से 5 और 3 के बीच में भी 2 का अंतर है एंड सो ऑन। तो ये समान अंतर वाली श्रेणी यानी ये जो ऊपर वाली श्रेणी है या जो निम्न श्रेणी है ये आपकी समानांतर श्रेणी के कैटेगरी में या समानांतर श्रेणी कही जाएगी। तो इस अभी इसमें अलग अलग पद होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो संख्या 1 है वो आपका पहला पद है। तो पहला पद को यहाँ स्मॉल a से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो डिफरेंस है यानी दो पदों का अंतर है उसको हम d से डिनोट करते हैं। इसको हम हिंदी में अंतर सम और या फिर इंग्लिश में डिफरेंस, तो उसका इनिशियल हो गया d। तो अभी हमें जैसे मान लीजिए पहला पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद 7 है। तो इसी तरीके से हमारा एक हम एग्जांपल के लिए लें तो हमारा कोई ना कोई 15वां पद भी होगा, 15 टर्म जिसको बोल सकते हैं या 15वां पद बोल सकते हैं। तो 15वां पद यदि हमें डायरेक्टली यदि निकालना हो तो फिर हम इस उसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, तो उस सूत्र को लिखते हैं हम nth टर्म। nth एक्चुअली यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो nth टर्म को हम tn बोलते हैं। तो tn यदि हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको मैं यदि थोड़ा और कायदे से लिखूं तो nth टर्म आपका t क्या हुआ? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन मतलब किस नंबर का पद है, डी मतलब अंतर यानी डिफरेंस, और ए मतलब आपका पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे मैं यदि मेरे को t15 निकालना है, t15 निकालना है, तो फिर पहला पद हुआ 1 ये वाला, फिर इसके बाद 15 माइनस इंटू 1 इंटू डी, डी के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम समांतर श्रेणी का अंतर देखेंगे किन्हीं दो पदों के बीच में तो वो है 2, तो इंटू 2। अब यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 14 × 2 = 28, 28 + 1 = 29। तो जो 15वां पद होगा हमारा वो 29 होगा। तो इसी तरीके से हम इस समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी पद निकाल सकते हैं। ये हुआ किसी भी नंबर के पद को निकालने का तरीका या उस स्थान पे कौन सी संख्या होगी उसका तरीका। इसी तरीके से हमारे पास और भी सूत्र इसमें समानांतर श्रेणी के लिए लागू होते हैं, जैसे कि उसका योग, तो उसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है।
जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।